सो हे गाइस, आज की जो लेटेस्ट जॉब है आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ कैक्टस की तरफ से लेटेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब, जिसे आप कहीं से भी बैठकर आसानी से घर पर ही कर पाएंगे। तो अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर अब आपको इसमें कैसे प्रोसेस करना है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, तो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। सो मेक श्योर वीडियो को आपको एंड तक देखना है बिना स्किप करे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं आपकी डेजिग्नेशन के बारे में। तो डेजिग्नेशन जो आपकी यहाँ पर रहने वाली है वो कस्टमर एंड ऑपरेशंस की रहने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी सैलरी की। तो सैलरी जो रहेगी आपकी 15,000 रुपए पर मंथ यहाँ पर जो है फिक्स रहने वाली है। अब ये जो जॉब है आपकी वो एज ए इंटर्न रहने वाली है, यानी कि अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पर जो है आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। साथ में यहाँ पर जो है आपका ड्यूरेशन रहेगा वो 6 मंथ का रहने वाला है। तो अभी मैं जो है आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से इसमें अप्लाई करना है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टिंग द वीडियो। सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं अपने कैक्टस के करियर पेज पर, जहां पर आपको जॉब देखने को मिल जाती है इंटर्न कस्टमर सर्विस की। कैटेगरी आपकी जो रहेगी वो कस्टमर सर्विस एंड ऑपरेशन की रहेगी, यानी कि आपकी डेजिग्नेशन रहने वाली है। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन आपकी इंडिया, यानी कि पैन इंडिया जॉब यह आपकी रहेगी, यानी कि आप कहीं से भी इस काम को कर सकते हैं एनीवेयर इन इंडिया। पोजीशन टाइप की बात करें तो ये आपकी इंटर्नशिप रहेगी, जहां पर आपका 6 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा, जहां पर आपकी सैलरी या फिर स्टाइपेंड बोल सकते हैं इसको 15,000 रुपए पर मंथ रहने वाली है। अब यहाँ पर इन्होंने एक चीज और बताई है, प्लीज नोट वी आर रिमोट फॉर ऑर्गेनाइजेशन सो यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया। तो यानी कि ये जो रिमोट जॉब है आप इंडिया में कहीं से भी बैठ के इस काम को कर सकते हैं। बस यहाँ पर इनकी कुछ रिक्वायर्ड है, यानी कि कुछ रिक्वायरमेंट है एक तरीके से, जो कि आपको ट्रेवल करना पड़ सकता है मुंबई ऑफिस में, जहाँ पर आपको बिजनेस रिलेटेड कंपनीज से रिलेटेड जो भी टीम इवेंट्स वगैरह होते हैं उसको ज्वाइन करना पड़ सकता है इन द फ्यूचर। तो ये सब चीजें इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है। बाकी ये सब चीजें यहाँ पर इन्होंने अपने टीम वगैरह चैटिंग कॉलिंग के फंक्शन वगैरह के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी अभी हम स्क्रॉल करेंगे और कुछ जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट दी हुई है, इसको भी एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी वो क्या क्या रहेगी, प्रोवाइड रियल टाइम सपोर्ट टू कस्टमर वाया अवर न्यू एज चैट प्लेटफॉर्म। तो यानी कि यहाँ पर एक जेंडेक्स और जाइनेसिस करके इनका जो एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आपको चैट करके कस्टमर से उनकी कोई भी रियल टाइम में जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी इंक्वायरीज या फिर क्वेरीज होगी, उनको आपको शॉर्ट आउट करना होगा। हेल्प बिल्ड कस्टमर कॉन्फिडेंस इन एडिटेज ब्रांड ओवर कॉम्पिटिटर, इम्प्रूव कन्वर्जन रेट। तो यहाँ पर जो भी आपका इम्प्रूवमेंट करना होगा कन्वर्जन रेट वगैरह, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं आपको जो है कस्टमर से बात करने के लिए अपना एक कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर जो है बनाना आना चाहिए, ताकि जो भी कॉम्पिटिशन मार्केट में चल रहा है आप उसको संभाल सकें। ठीक है, एड अ ह्यूमन फैक्टर इन कस्टमर शॉपिंग एक्सपीरियंस देयर बाय इन्फ्लुएंस रिपीट रेट। तो यहाँ पर ये कुछ इन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आपके कस्टमर क्वेरीज से रिलेटेड है, तो आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। बाकी यहाँ पर मैं बात करता हूँ अभी क्वालिफिकेशन की, क्या क्या क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है इन्होंने यहाँ पर की हुई है। हैव हाई स्टैंडर्ड एंड सर्विस माइंडसेट, जो आपका माइंडसेट रहना चाहिए वो कम से कम ना तो हाई सर्विस वाला रहना चाहिए कि कस्टमर को कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर आर टेकी एंड सेवी, यानी कि आपका थोड़ा टेक वाला माइंड होना चाहिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। कंफर्टेबली विद यूजिंग वेरियस लाइव चैट सॉफ्टवेयर, यानी कि आपको सॉफ्टवेयर वगैरह आपको चलाने आने चाहिए, लाइव बात आपको करनी पड़ सकती है कस्टमर से, तो वो सब चीजें इन्होंने यहाँ पर दी है। तो एक तरीके से जो है आपको मल्टीटास्किंग बन के यहाँ पर रहना पड़ेगा। गुड सेल्स स्किल्स आपको यहाँ पर आनी चाहिए, यानी कि आपको सेल्स की जो स्किल्स होती हैं वो अच्छी खासी यहाँ पर आनी चाहिए। रिटर्न एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जो है एक्सीलेंट रहनी चाहिए, ठीक है, तो जो भी मैसेज आप डिलीवर करेंगे वो बिल्कुल कंसाइज मैनर में रहने चाहिए। कैन थिंक योर फीट योर मीट कस्टमर एट द 11 इम्प्रोवाइज ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन कैन वर्क अंडर प्रेशर एंड मीट डेडलाइंस। तो जो भी आप काम वगैरह इनको करके देंगे अपनी डेडलाइन से पहले पहले जो है उनकी क्वेरीज को शॉर्ट आउट कर देना है। मान लीजिए कि आपको किसी भी कस्टमर को कहना है कि सर आपकी जो क्वेरीज है वो 4 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो हम उसको रिजोल्व कर देंगे, तो वो 4 घंटे के अंदर ही आपको जो है खत्म करके देनी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करके रखना होगा कस्टमर के सामने। तो वो सब चीजें इन्होंने यहाँ पर दी है। बाकी यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कैक्टस से रिलेटेड, यानी कि इनकी कंपनी से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पर जो है अबाउट अस कैक्टस के बारे में बताया हुआ है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर जो है आपसे सबसे पहले बताना चाहूंगा इनके कुछ अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन भी हैं, तो इनको भी आप अच्छे से पढ़ लेना, ये भी आपका पढ़ना जरूरी है। तो ये बेसिक सी चीज है, आप अपने आप सेल्फ पढ़ सकते हैं। अभी मैं सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ वो है अप्लाई करने की। बहुत लोगों को नहीं पता है अप्लाई कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो सिंपली आपको ये अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर जो है मेंशन करना है। तो यहाँ पर जो है आपको कोई भी ईमेल एड्रेस अपना मेंशन कर देना है, तो मैं फटाफट से यहाँ पर जो है करके आपको दिखा देता हूँ।
सो गाइज, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ईमेल एड्रेस मैंने जो है फिल कर दिया है। उसके बाद आपको जो है आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। ये राइट का निशान जब आपको देखने को मिल जाएगा तो ये रेड बटन आपको देखने को मिलेगा, इसको फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखना है, थोड़ा वेट कर लेना है। उसके बाद आपको जो है आपकी पर्सनल डिटेल के लिए एक फॉर्म ओपन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर्न कस्टमर सर्विस का ये फॉर्म है, जहाँ पर आपको कैंडिडेट प्रोफाइल इसको फिल आउट करना होगा। यानी कि फिल कैसे करना होगा वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना सीवी अपलोड करना है। सीवी कैसे अपलोड करेंगे उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पर आपके एक प्लस पॉइंट बनने वाला है। अपना जो रेज्यूमे यहाँ पर आप अपलोड करेंगे उसके अंदर जो आपकी स्किल्स होंगी वो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड होगी, तो डेफिनेटली आपके जो है सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ से बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अपना रेज्यूमे वगैरह बिल्कुल अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से बना के यहाँ पर अपलोड करना, ताकि आपके सिलेक्शन होने के चांस यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हो पाए। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डालना है, फिर री एंटर करना है उस पासवर्ड को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपना इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पर फिल करनी है, यानी कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जो भी आपकी ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। फोन नंबर आपको बिल्कुल करेक्ट डालना है। देन उसके बाद आपको कंट्री ऑफ रेसिडेंस, जहाँ पर भी आप रहते हैं, आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। इफ यू आर फ्रॉम इंडिया तो यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट करना है इंडिया। उसके बाद आपको सर्च करना है यहाँ पर नेशनलिटी, तो यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से आपको इंडियन नेशनलिटी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा दूँ, या फिर आप इसको टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इंडियन ये आपकी नेशनलिटी हो गई और यहाँ से जो है आप इसको इंडिया सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो है यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री आपको यहाँ पर जो है मेंशन करनी है, बैचलर्स, मास्टर, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टर या फिर अदर। तो अदर पे कह देना जो भी ट्वेल्थ वगैरह वाले कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन पे क्लिक करना है, और जिस भी फील्ड से आप हैं आप उसको यहाँ पर मेंशन करके इनको बता सकते हैं, ओके। देन इसके बाद आपको जो है लास्ट वाला ये आपको फॉर्म को फिल करना है, इफ यू सिलेक्टेड अदर एज हाईएस्ट डिग्री प्लीज एंटर बिलो। तो आपके पास जो है इसमें एडिशनल डेटा इन्होंने यहाँ पर मांगा है, अगर आपके पास कोई और प्रोफेशनल या फिर हाईएस्ट डिग्री है तो आप यहाँ पर उसको मेंशन करके इनको बता सकते हैं और सबमिट करके यहाँ पर इस प्रोफाइल को कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपका ये काम खत्म हो जाएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको वेट करना है 12 से 15 दिन का, जहां पर आपको ये मेल करके बता देंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, उसके आगे का प्रोसेस क्या है, एचआर आपसे वो सारी चीजें डिस्कस कर लेगा। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो जरूर से एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो मैं मिलूंगा आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।